उत्तर प्रदेश के इटावा में रात 3 बजे तब अफरा तफरी मच गई जब वैशाली एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्लीपर के S6 कोच में आग लग गई। ये ट्रेन दिल्ली से सहरसा जा रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूद गए। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। इस हादसे में 19 यात्रियों के घायल होने की खबर है। बता दें कि 10 घंटे के अंदर ये दूसरा रेल हादसा है। इससे पहले बुधवार को ट्रेन हादसा हो गया था। उत्तर प्रदेश के इटावा में नई दिल्ली से दरभंगा जा रही ट्रेन में अचानक आग लग गई थी। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि ट्रेन की क्षमता से 2 गुने से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। इसके बाद कुछ ही देर में ट्रेन का एक डिब्बा पूरी तरह जलकर राख हो गया। वहीं उल्लेखनीय पहलू ये है कि यह अतीत की दूसरी घटना है। इससे पहले रविवार सुबह बिहार के गोरौल में ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल की स्लीपर बोगी में भी आग लग गई थी। लगातार ट्रेनों में आग लगने के मामले सामने आने से चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है। जा रही थी ये ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस, इसमें सराय भूपत स्टेशन के पास आग लगने की सूचना थी। पिछली अंत से 3-4 बोगियों में, तो 4 बोगियों में आग फैली थी। उसको यहाँ फायर टेंडर द्वारा बुझा दिया गया है। कोई भी कैजुअल्टी नहीं है। बोगी से उतरते समय 8 पैसेंजर्स को छोटी माइनर इंजरी थी, जिनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ से निकलने के बाद हम उनका भी अभी हाल लेने जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार वो लोग ठीक हैं, कोई गंभीर चोट नहीं है। और अभी अब से 5-7 मिनट पहले ही ट्रेन जो है वो यहाँ से रवाना कर दी गई है तमाम प्रिलिमिनरी चेक्स के बाद। और उसमें उम्मीद है कि अब समय से अपना ट्रेन अपने स्थान पर गंतव्य पर पहुँच जाएगी। बता दें कि छठ पर्व को लेकर बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली से लोग बिहार की ओर आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेशनों पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है।